हेलो दोस्तों, आज हम इस ब्लॉग में देखेंगे कि खेत में कैसे काम करते हैं। आज मैं अपना खेत में पानी फिरने और कुछ दाने बोने आया हूँ। जो मकई हमने डाली थी वो ऊपर रही थी, तो उसको डांटने के लिए हमने इस कुदाली से ऊपर मिट्टी फिरा रही है। आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, खेती काम बहुत हार्ड होता है, पर हम सब मिल के काम करते ना तो बहुत आनंद आता है और मज़ा भी हो जाता है। इसीलिए मैं सब काम छोड़ के खेती काम में लग जाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है, अच्छा लगता है। आप लोग खेती काम करते हो कि नहीं करते हो वो भी मुझे ज़रूर बताना, और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कहाँ से हो। हेलो दोस्तों, ये यूरिया खातर है, पर हमको ये बहुत महंगा पड़ा है, 300 रुपये इसका हुआ। दोस्तों, इस बोरी को मैं कहाँ से लाया आपको? वहाँ वो बाइक जा रही है ना, वहाँ से मैं उठा के यहाँ तक लाया हूँ। बहुत भारी लगा है। ये यूरिया खाता है, उसको हम इस गेहूँ में डालते हैं ना, तो गेहूँ बहुत अच्छा उगता है, बहुत अच्छा रहता है और काफ़ी अच्छा है, लगता है। खातर को पूरी तरह से पूरे खेत में डाल दिया है। अब मैं जा रहा हूँ अभी पानी लेने। वो मैं कहाँ से लाता हूँ मैं आपको पूरा बताऊँगा इस वीडियो में, तब पूरा देखना वीडियो लास्ट तक। दोस्तों, ये हमारा खेत में आने वाला नाला है जो अभी बंद है यहाँ से, और यहाँ वो नाला खुला है, तो हम उसको बंद करेंगे और इसको चालू करेंगे, वो तो हमारे खेत में पानी जाएगा। हम इसको यहाँ से बंद कर देते हैं, तो मुझे यहाँ वो पूरा खोलना पड़ेगा, और अभी मैं उसको निकाल देता हूँ, पूरे नाली कंप्लीट कर देता हूँ। तब तक हमारा पानी भी आ जाएगा, वहाँ से हमने खोल दिया था पहले से, और अब ये वो वहाँ से आता हो गए और हम यहाँ से खोल दिया, तो इसको बंद कर देते और पूरा जल्दी जल्दी पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि हमारा वो पानी आ जाएगा तो हमको यहाँ तकलीफ ना होए। नहीं तो वो पानी आ जाए तो हमें ये पानी बंद हमारे से होगा नहीं। वो चलो, गए हमारा पानी आ गया, और आप देख लो हमारे खेत में पहुँच भी होगा, पहुँच गया। अब 3-4 घंटे में तो हमारा पूरा खेत कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, ये नाला कंप्लीट बंद नहीं हुआ, उसको मैं अभी बराबर से बंद कर देता हूँ, ताकि उसमें ज़्यादा पानी ना आए। अभी काफ़ी पानी जा रहा है, अभी मैंने बंद कर दिया तो वो कम है, वो मैंने वीडियो में नहीं बताया, कट कर दिया। और मैं यहाँ से जा रहा हूँ और वो सारी नाली कंप्लीट कर लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ, ताकि मेरा पानी है ना जल्दी आ जाए, जल्दी पानी जल्दी से बह जाए। अभी कम जा रहा है सब, इस वजह से पानी थोड़ा अटक रहा है, और अभी नाला पूरा नहीं खोला है, वो मैं भी आपको मैं बताऊंगा नाला कैसे खोला जाता है पूरा। आओ तो ये हम वहाँ से यहाँ से हम जाएंगे क्या? दोस्तों, हमको यहाँ से निकलना बहुत तकलीफ़ हो रहा था, तो हम यहाँ से कूद कर हमको जाना पड़ेगा, तो हम यहाँ से कूद कर जाएंगे और हम वो पूरा नाला खोल देंगे।
वो आप वीडियो में ज़रूर देखें। अभी मैं वो ये नाला क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप लोग पूरा कंप्लीट देख सकें। और वहाँ से पानी आता है, तब हम यहाँ से जाएंगे, खुद कर जाना पड़ेगा। हाँ अभी है ना, यहाँ से नाला हमारा आता है, तो ये नाला बंद है, अभी काफ़ी कम जा रहा है पानी। तो मैं यहाँ से कुछ अंदर से कुछ डाला, वो हम निकाल देंगे कचरा। हाँ बराबर ठीक है, यही हम निकाल देंगे। निकालने के बाद हम उसका नाला हमारा पूरा खुल जाएगा, तो पूरा खुलने के बाद हमारा पानी जल्दी से आएगा, तो हमारा खेत में जल्दी पानी फिर जाएगा। तो मैं इसको पूरा निकाल देता हूँ ताकि पानी अच्छी तरह से बह जाए, निकले। और आप लोग ज़रूर देखना, मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कर देना। अभी पूरा पानी आ गया है, अभी वो दूसरा अंकल उसके खेत में पानी फिर रहा था, उसने बंद कर दिया था, अब मैंने खोल दिया और जा रहा है हमारे खेत की तरफ पानी पूरा। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है जब हम खेत में काम करते हैं और हमारे घर के लोग भी हमारे साथ है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है खेत में काम करना। और मुझे तो क्या बताऊँ, मैं तो बहुत सालों से मैं अपने खेत में बहुत समय से काम करता हूँ, और मैं खुद नहीं काम करता, मेरे घर वाले बहुत सब काम करते हैं, मैं सिर्फ यूँ ही घूमता हूँ फिरता हूँ। बट मैं अभी अब तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करना पड़ता है हम जाए तो। और आप लोग भी तो शायद करते हो, गाँव के लोग होते तो, और सिटी के लोग तो पता नहीं है यार उनको कोई खेती करता हो या नहीं, मेरे को नहीं, मैं तो गांव से हूँ इसीलिए। अभी तो ठंडी के मौसम में बहुत ठंड लगता है, बट अभी है ना वो धूप है ना इसीलिए ज़्यादा ठंड नहीं लगती, इसीलिए बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो बहुत आनंद आता है खेत में काम करना, बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस हमारा गांव है ना सिटी से 1 किलोमीटर दूर है, और फिर भी हमारा गांव बहुत अच्छा है, छोटा सा गांव है हमारे। अब हम देखेंगे हमारा पानी कहां तक पहुंचा, कितनी दूर पहुंचा। ये सफ़ेद कलर के सब जानवर है ना, वो जहां जहां घूमते हैं तो हमको मालूम हो जाएगा, तो हमारा पानी यहां से आया होगा। ये जानवर क्या करते हैं कि आगे आगे चलते हैं, पानी के जहाँ जहाँ आगे आगे पहुँचता है वहाँ वहाँ वो लोग आगे पहुँचते हैं और कीड़ों को खाते हैं, तो हमें पता चल जाएगा पानी यहाँ तक आया है। दोस्तों हम इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। जय किसान, जय भारत।